खबर शिवपुरी एसपी ऑफिस से है, जहां आज एक विकलांग युवक ने शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि वह विकलांग है और किसानी करता है। कुछ समय पहले युवक ने सोयाबीन की फसल लगाई थी, जिसमें उत्तम गुर्जर पुत्र पत्थी गुर्जर, मंगल गुर्जर, दूल्हाजी गुर्जर, ओतार गुर्जर पुत्र गाना गौतम गुर्जर निवासी ग्राम बीरजा द्वारा अपने पालतू मवेशियों गाय भैंसों द्वारा चुराकर उजाड़ने बार नष्ट कर दिया गया। जब इसका विरोध किया गया तो परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी और गांव से बेदखल करने की धमकी भी दबंगों द्वारा दी गई। वहीं युवक ने डर की वजह से एसपी को शिकायत आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है अंकल? करतार। क्या नाम? गुर्जर। गुर्जर कहाँ से आए हो? बेर जाते। क्या समस्या ले जाए? सब परेशान कर रहे हैं गाँव के लोग। कौन परेशान कर रहे हैं? सिद्धार्थ उत्तम। परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, फसल पहल फसल उजार दी, अब फसल बोई भी जा रहे हैं तो नहीं जान दे रहे, बटाईदार से मना करते। मेरी घर की बाउंड्री जैसा दी और रन नहीं दे रहे गांव में। वो बहुत से लोग हैं जी, 15-20 लोग हैं। आपने संबंधित थाने में इनकी शिकायत नहीं करी? थाने में 2-3 बार दिया, कोई सुनवाई नहीं है। और जेएसपी साहब के जी देखो वहा जाओ मैं, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। ये मार क्यों रहे हैं आपको? मारपीट भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है क्यों कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मन्नत चाहते हैं सर। तो कब से ये आपको परेशान कर रहे हैं? 2-1.5 महीना है गए। अभी तक आपकी सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। विकलांग हो, बच्चे हैं 3-4, बच्चे ने की परेशानी है, फसल वो नहीं दी और अब वो ना दे रहे, अब क्या करें? अब क्या चाहते हो? मदद चाहते हैं।